सब मिलकर करेंगे पूरा। अभी हम ये लाहौर के मशहूर ब्रैडले हॉल के बाहर खड़े हैं। ये बड़ी तारीखी अहमियत का हॉल है और भगत सिंह यहाँ पे 4 साल तक तालीम हासिल करता रहा, 1922 से लेकर 1926 तक। उस वक्त इसका नाम नेशनल कॉलेज था और ये लाला लजपत राय जो एक बहुत बड़े लीडर थे ऑल इंडिया लेवल के, आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल थे, उन्होंने और उनके साथियों ने मिल के इस कॉलेज की बुनियाद रखी थी। और इससे पहले भगत सिंह इधर एक स्कूल में, जहाँ से हम मुड़ के आए हैं, जिसका नाम गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 है, आपने रास्ते में शायद देखा हो, ये बिल्कुल साथ बिल्डिंग में, उसका नाम पहले DAV स्कूल होता था। तो भगत सिंह बेसिकली उधर पढ़ता था। पैदाइश उसकी फैसलाबाद, जिसे पहले लायलपुर कहा जाता था, उसके करीब एक गाँव में हुई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसको तालीम के लिए लाहौर भेज दिया था और वो ये DAV स्कूल में पढ़ता था। लेकिन जब 1919 में जलियांवाला बाग का वाकया हुआ, जनरल डायर ने गोली चलाई और वहाँ पे हज़ारों लोग कत्ल हो गए और बड़ी तादाद में एक क्रैकडाउन, एक मार्शल लॉ और कर्फ्यू नाफज कर दिया गया ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की तरफ से, बड़ा बदतरीन क्रैकडाउन था। लाहौर में कोई भी यहाँ का मुकामी शख्स किसी अंग्रेज़ के सामने चल नहीं सकता था। ये माल रोड के फुटपाथ के ऊपर अगर कोई अंग्रेज़ सामने से आ रहा है और मुकामी शख्स है तो उसको फुटपाथ से उतरना पड़ेगा और उसको सलाम करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करता तो वहीं पे पुलिस उसको टिकटिकी पे कोड़े मारती थी। इसी तरह जो कोई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता था बगावत की, उसको ये शाही किला लाहौर में एक जेल खाना या अब अकूबत खाना कह लें, अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था, वहाँ पर बड़ा बदतरीन तशद्दुद किया जाता था। यहाँ के मकामी लोग इवन माल रोड तक नहीं आ सकते थे, उनको बहुत बड़ी तलाशियों से और नाकों से गुजरना पड़ता था। तो उस हवाले से पूरे मुल्क में उस वक्त एक इनकलाबी तहरीक जारी थी। और उससे पहले हम देखते हैं कि 1917 में रूस का इनकलाब आ चुका था, वहाँ पे लेनिन और ट्रॉट्स्की की क्यादत में एक सोशलिस्ट इनकलाब रूस में बरपा हुआ था। और यहाँ पे भी उस वो जो नज़रियात थे रूस से सोशलिज्म के, मार्क्सिज्म के, वो इंडिया में फैल रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि आज़ादी की जद्दोजहद बड़े तवील अरसे से जारी थी और यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी तंजीमें थीं, सियासी पार्टियाँ थीं जो जद्दोजहद कर रही थी। जैसे ये आप देख सकते हैं कि इस ब्रैडले हॉल की बुनियाद सन 1900 में रखी गई और ये यहाँ के बुनियादी तौर पर, उससे पहले यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज हुई थी आज़ादी की जद्दोजहद के हवाले से और ये एक गढ़ बन गया सियासी एक्टिविटीज़ के हवाले से और कल्चरल एक्टिविटीज़ के हवाले से। यहाँ पे उस दौर के सबसे बड़े मुशायरे होते थे, यहाँ पे कल्चरल गैदरिंग्स होती थी, यहाँ पे आर्ट के और कल्चर की तकरीबात होती थी। उसके अलावा स्टूडेंट लीडर्स इंडिया के बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आके खिताब करते रहे। तो 1922 के अंदर जब गांधी ने उस तहरीक जो अदम तावन की तहरीक थी उसे गद्दारी की और उसका खात्मे का ऐलान किया, तो जो पूरे इंडिया के अंदर जो आज़ादी पसंद नौजवान थे उनको कॉलेजों से निकाल दिया गया, सरकारी नौकरियों में उनको जगह नहीं दी जाती थी और बहुत से उनको मसाइल का सामना करना पड़ता था। तो लाला लाजपत राय ने फिर इसी हॉल के अंदर जो है नेशनल कॉलेज शुरू कर दिया, ताकि वो स्टूडेंट जिनको तहरीक के दौरान कॉलेजों से या स्कूलों से निकाल दिया गया था वो इधर तालीम को सिलसिले को जारी रख सकें। तो भगत सिंह हम देखते हैं कि 1922 से 1926 तक इस कॉलेज के अंदर, अगर आप देखेंगे एक हॉल है उसके अंदर क्लासेस होती थी, जिसके अंदर भगत सिंह के सियासी सफ़र का हम समझते हैं कि आगाज़ होता है और उसके नज़रियात जो है वो परवान चढ़ना शुरू होते हैं। और उस वक्त जो सारी उससे पहले आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जिसमें कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी ऑल इंडिया लेवल के, इसके अलावा जो भगत सिंह के अपने चाचा था और उसके दूसरे घर के लोग थे, उन्होंने भी मुख्तलिफ तहरीकें, जैसे लायलपुर में पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से एक पूरे पंजाब में किसानों की तहरीक बहुत बड़ी शुरू हुई थी। इसी तरह फिर 1914 में गदर पार्टी बनी थी जिसमें भगत सिंह के घर के लोग बहुत ज़्यादा शामिल थे। वो गदर पार्टी एक मुसल्ला जदोजहद के ज़रिए बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ जदोजहद करके एक जंग के ज़रिए इनकलाब करना चाहते थे और उनका उर्दू में और दूसरी ज़बानों में एक रसाला भी निकलता था गदर के नाम से, जिसकी फिर हम समझते हैं कि मीटिंग्स वगैरह इधर ही ब्रैडले हॉल में होती थी। तो जब 1922 से 26 तक भगत सिंह यहाँ पे तालीम हासिल करता रहा तो उसने देखा कि आज़ादी के मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ, मुख्तलिफ जदोजहद जारी हैं और उस हवाले से उसने फिर यहाँ पे आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। अपनी पहली जो मजामीन थे भगत सिंह की ज़िंदगी के वो यहाँ पे उसने लिखने शुरू किए। लाहौर में उस वक्त मुख्तलिफ रसाले लेफ़्ट के हवाले से या आज़ादी की जदोजहद के हवाले से शाया होते थे, जिसमें उसके मजमून छपने शुरू हुए और उसकी सियासी सफ़र का आगाज़ नज़र आता है। और उसी में हमें नज़र आता है कि वो
سوشلزم کے نظریات کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اس دوران 1922 کی جب وہ عدم تعاون کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی اور گاندھی کی غداری کی وجہ سے، تو بہت سی نئی پارٹیاں بھی بنیں۔ کانگریس اسپلٹ ہو کے ایک سوراج پارٹی بنی جس میں کافی زیادہ لیفٹ کے لوگ بھی تھے، اور دوسرے سی آر داس بنگال سے اس کی قیادت کر رہے تھے۔ اسی طرح ایچ آر اے کے نام سے ایک تنظیم بنی، ہندوستان ریپبلکن آرمی کے نام سے، اور وہ بہت زیادہ ریڈیکل نعروں کے ساتھ تھی، اور رام پرشاد بسمل اس کا بانی بھی تھا اور اس کا لیڈر بھی تھا۔ انہوں نے جب بھگت سنگھ نے اس پارٹی کے منشور کو دیکھا، اس کے نظریات کو دیکھا، تو وہ اس کے اندر شامل ہو گیا، اور اس کے تحت پھر کاروائیوں کے اندر جو تھی اس کی حصہ لینا شروع ہوا۔ اور جب گاندھی ایک انتہائی غدارانہ کردار کرتے ہوئے ادا کرتے ہوئے ایک منافقت بھرا ایک عدم تشدد کا نعرہ دے رہا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر اس نے اس تحریک سے غداری بھی کی تھی، یہ جو ایچ آر اے والے تھے اس کے بالکل الٹ تشدد کے رستے کے ذریعے انقلاب کرنا چاہتے تھے کہ بھئی برطانوی سامراج کے جو عہدے دار ہیں، جو بڑے بڑے پولیس افسر ہیں، ان کو اگر قتل کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے تو انقلاب آ سکتا ہے۔ بھگت سنگھ بھی شروع میں ان کے ساتھ شامل ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا نظریہ تبدیل کیا، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ صرف ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے، ایک کیڈر بیس آرگنائزیشن کے ذریعے ایک ایسی انقلابی پارٹی تعمیر کی جا سکتی ہے جس سے انقلاب کیا جا سکے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ایک درست نظریہ کیا ہونا چاہیے، کہ آزادی کی لڑائی تو بہت سے لوگ لڑے ہیں۔ مولانا حسرت میہانی ایک بہت بڑے لیڈر تھے، اور ان کا ایک مذہبی حوالے سے بھی کردار تھا، لیکن آزادی کی جدوجہد میں وہ بڑی دفعہ جیلوں میں گئے تھے اور یہاں پہ جدوجہد کر رہے تھے، اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے پہلے جنرل سیکرٹری بھی منتخب ہوئے تھے۔ اسی طرح نہرو تھا اور دیگر لیڈر تھے۔ تو بھگت سنگھ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ درست رستہ کیا، اور پھر وہ انقلاب روس جو تھا سوشلسٹ انقلاب کے نظریات سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار اس نے کہا کہ صرف ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہی یہاں پہ نہ صرف آزادی حاصل کی جا سکتی ہے بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ بھگت سنگھ کے نظریات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ صرف انگریز سے آزادی حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو انگریز نے یہاں پہ ریاست اور یہ جو سرمایہ دارانہ نظام بنایا ہے، جس میں انگریز کی بنائی گئی پولیس ہے، انگریز کی بنائی گئی فوج ہے، انگریز کی بنائی ہوئی عدالتیں ہیں، انگریز کے بنائے ہوئے قانون اور آئین ہیں، ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات، جو طبقاتی نظام ہے امیر اور غریب کا، سرمایہ دار اور مزدور کا جو تضاد ہے، اس کو بھی ایک ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سوشلسٹ انقلاب کا رستہ ہی واحد رستہ ہے۔ اسی لیے ایچ آر اے کا جب ایک اجلاس ہوا 1928 میں یہاں پہ، تو اس نے قرارداد پیش کی کہ اس کی تنظیم کا نام سوشلسٹ واضح طور پہ ہونا چاہیے، اور اس کا نام پھر انہوں نے ایچ ایس آر اے، ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسیشن رکھ دیا۔ کیونکہ اس نے کہا کہ صرف ہماری لڑائی جو ہے وہ آزادی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بھی لڑائی ہے، کہ اگر انگریز یہاں پہ چلا جائے کل کو اور یہاں کے مقامی لوگ حکمران بن جائیں، تو عام مزدور کی، کسان کی، غریب آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بات بھگت سنگھ کی آج ہم اپنے تجربات سے 90 سال بعد بھی بھگت رہے ہیں، کہ انگریز تو چلا گیا، لیکن آج یہ جو عدالتی نظام ہے یہ وہی ہے جو سامراج نے یہاں کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا تھا۔ جو پولیس کا نظام بھی وہی ہے، فوج کا نظام بھی وہی ہے، پٹواری کا نظام بھی وہی ہے، ملکیت کے رشتے وہی ہیں، بینک اور ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی اسی طرح یہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نظر آتا ہے کہ بھگت سنگھ کا جو انقلاب تھا، یہ جو آزادی کی جدوجہد تھی، وہ آج بھی ادھوری ہے، کہ انگریزوں کے جانے کے بعد مقامی حکمران یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کا بھی نام لے لیں، نواز شریف، زرداری، عمران خان، یا کسی جرنیل کا، مشرف کا، یا اور جو آمریتیں یہاں پہ آتی رہی ہیں، تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو جدوجہد ہے وہ ادھوری ہے، اور سوشلسٹ انقلاب کی تبدیلی کے بغیر وہ جدوجہد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں، اور اس وقت کی ہم نظر آتا ہے کہ بہت سے بائیں بازو کے لوگ بھی کہتے تھے سوشلسٹ انقلاب نہیں آ سکتا، لیکن بھگت سنگھ نے اپنی تحریروں میں یہ واضح کیا تھا کہ یہاں پہ ایک سوشلسٹ انقلاب آ سکتا ہے، یہاں کے مزدوروں اور کسانوں کے اندر اتنی انرجی، اتنا پوٹینشیل موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ بھگت سنگھ یہاں کے سرمایہ داروں کے بارے میں کلیئر تھا کہ اگر کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی بجائے اگر یہاں پہ مقامی سرمایہ دار آ جائے گا، تو وہ بھی چور، ڈکیت اور لٹیرا ہی بنے گا، اور مزدوروں کا استحصال کرے گا۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھگت سنگھ کی جدوجہد اس دور کے تمام دوسرے لیڈروں سے، تمام دوسرے آزادی پسندوں سے، تمام بڑے بڑے ناموں سے بڑی جدوجہد ہے، کہ وہ اس کے نظریات ہمیں درست نظر آتے ہیں 90 سال بعد بھی، کہ مقامی حکمران اگر آ گئے ہیں تو یہاں کے غریب کا، مزدور کا اور کسان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور سماج کی ایک سوشلسٹ تبدیلی کی ضرورت آج بھی موجود ہے۔
और सिर्फ अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल करने से हमारे मसाइल हल नहीं होते। और ये एक नौजवान जो 18-20 साल का नौजवान था जो इस कॉलेज के अंदर तालीम हासिल करता था, वो ख़ुद अपनी जद्दोजहद से अपनी स्टडी से इन नज़रियात तक पहुंचा था। और हम समझते हैं कि आज हम यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम उस नज़रियात को भी समझें, उसकी जद्दोजहद को समझें और उसका जो अधूरा मिशन है उसको मुकम्मल करने की तरफ जाएं। अब ये लाहौर रेलवे स्टेशन है, इसकी एक अपनी तारीख है, इसकी एक अपनी कहानी है, लेकिन भगत सिंह के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। एक तो ये है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जुलूस आज़ादी के हवाले से, आज़ादी की जद्दोजहद के हवाले से निकलते थे, जिन पे पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया जाता था, उनको तशद्दुद किया जाता था और उनको मारा जाता था। उस हवाले से पूरे इंडिया में आज़ादी की बहुत बड़ी तहरीकें चल रही थी। जब भगत सिंह नौजवान था, भगत सिंह स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, पूरे इंडिया के अंदर आज़ादी की जद्दोजहद जारी थी। लाहौर के साथ ही एक जुड़वा शहर है अमृतसर, वहाँ पे 1919 में अप्रैल में अंग्रेज़ साम्राज्य ने बहुत बड़ा कत्लेआम किया था जलियांवाला बाग के अंदर, जिसमें सैकड़ों लोग, 2000 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया था, जिसमें बूढ़े बच्चे औरतें भी शामिल थी। भगत सिंह की उम्र उस वक्त 12 साल थी और वो लाहौर से गया था अमृतसर देखने। वहाँ पे जब उसने लाशें देखी, जब तड़पते हुए लोग देखे जिनको डॉक्टर की इजाज़त नहीं थी, जिनको पट्टी कराने की इजाज़त नहीं थी, जनरल डायर ने वहाँ पे बाग के अंदर, जो लोग इसी तरह का एक बाग था, वहाँ पे लोग अपना खुशी मना रहे थे, बैसाखी का मेला, उस पर गोली चलवा दी थी, तो उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैल गई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और आज़ादी की जद्दोजहद जो है वो तेज़ हो गई थी। और अगले 2-3 साल तक पूरे मुल्क के अंदर लाखों लोग एहतजाज कर रहे थे अंग्रेज़ के साम्राज्य ताकत के ख़िलाफ़, हुक्मरानी के ख़िलाफ़। और 12 साल की उम्र में ही भगत सिंह उन इंकलाबी नज़रियात से और उस जद्दोजहद में शामिल हो गया था, और वो जो अदम तावन की तहरीक थी जिसको कहा जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसका हिस्सा बन गया था और पूरे लाहौर में और हर जगह एहतजाजों में हिस्सा ले रहे थे। इसी तरह ये सिलसिला बाद में भी चलता रहा। बाद में अंग्रेज़ों ने एक साइमन कमीशन बनाया कि साइमन कमीशन बरतानिया से इंडिया आएगा और यहाँ पर हालात का जायज़ा लेगा और अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करेगा। उस साइमन कमीशन में यहाँ का लोकल एक भी बंदा शामिल नहीं था और सारे के सारे अंग्रेज़ शामिल थे, जिसके ख़िलाफ़ लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया। और साइमन कमीशन इसी रेलवे स्टेशन पर जब उतरा यहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए, तो यहाँ पे उस साइड से एक हज़ारों लोगों का रैली आ रही थी, जिसकी क़यादत उस वक्त का यहाँ के एक यूनियन लीडर, मजदूर लीडर लाला लाजपत राय कर रहे थे, और बहुत सीनियर लीडर थे उस वक्त वो ऑल इंडिया लेवल के, और भगत सिंह के उस्ताद भी थे जिनके कॉलेज में भगत सिंह पढ़ता था। और जब लाला लाजपत राय की क्यादत में वो रैली उस साइड से इधर स्टेशन की तरफ आई, तो इधर से पुलिस ने एक बहुत बड़ा अटैक किया, लाठी चार्ज किया, तशद्दुद किया। लाला लाजपत राय के सर के ऊपर एक लाठी लगी पुलिस की, जिसकी वजह से वो 2 दिन बाद हलाक हो गए लाला लाजपत राय। और उस वक्त भगत सिंह ने फैसला किया कि वो उनकी मौत का बदला लेगा, और उस वक्त भगत सिंह जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के ज़रिए इनकलाब करने का नज़रिया रखता था, जो कि बाद में तब्दील हो गया था, और उसने कहा था कि सियासी जद्दोजहद के ज़रिए ही इनकलाब आ सकता है और एक सोशलिस्ट इनकलाब की तब्दीली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भगत सिंह ने जब वो अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की पुलिस के हवाले से और दूसरे सरकारी अफसरान के हवाले से, जो सॉन्डर्स कत्ल केस के हवाले से, तो भगत सिंह फिर अपना भेस बदल कर यहाँ जब रवाना हुआ, लाहौर से बाहर निकला, तब भी उसने रेलवे स्टेशन का यही मरकज़ी दरवाज़ा इस्तेमाल करते हुए ट्रेन पर बैठा और यहाँ से जो है वो दूसरे शहरों में इंडिया के रवाना हो गया। तो यहाँ पे ये जो सारा इलाका है भगत सिंह की जद्दोजहद के हवाले से, उसकी स्ट्रगल के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ करीब जहाँ से हम आए हैं वहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज है, दयाल सिंह लाइब्रेरी है जहाँ पर वो पढ़ता रहता था वहाँ पर, और अपने मीटिंग्स यहाँ पर मैक्लोर रोड में कश्मीर बिल्डिंग थी जहाँ पे वो अपनी मीटिंग्स किया करते थे, इनकलाब करने की, आज़ादी की जद्दोजहद की स्ट्रेटजी बनाया करते थे, सियासी बहसें किया करते थे। इसलिए ये पूरा रेलवे स्टेशन का इलाका बड़ा तारीखी अहमियत का हामिल है भगत सिंह के हवाले से, और आज 90 साल बाद हम उसकी याद को ताज़ा करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, ये खुद भी एक तारीखी बिल्डिंग है, और ये बेसिकली यहाँ पर जो बरतानिया ने अदालती निज़ाम बनाया उसका एक
कह लें कि अहम सिंबल भी है यहाँ पे। और बुनियादी तौर पर आप देखेंगे आज भी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जो भी अदालती निज़ाम है वो बरतानवी साम्राज्य का बनाया हुआ है, और तमाम के तमाम जो कवानीन आज भी यहाँ पे नज़र आते हैं वो बरतानवी साम्राज्य के हैं। आपको 1973 का आइन तो नज़र आता है, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो जिसके तहत सज़ाएँ दी जाती हैं, या जो दूसरे तमाम कवानीन हैं, वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। और ख़ास तौर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद यहाँ पे बरतानवी साम्राज्य ने बहुत ही ज़्यादा खौफनाक जाबराना कवानीन बनाए, ताकि यहाँ के लोगों को दबाया जा सके, उनको ग़ुलाम रखा जा सके, और उनकी जो आज़ादी की, उनकी जो कोई भी जद्दोजहद है उसको कुचला जा सके। इसके लिए ये सारा अदालती निज़ाम बनाया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट का इख्तियार है, जिसमें जज का इख्तियार है। अगर दुनिया के दूसरे सरमायादाराना ममालिक देखें, जहाँ पे साम्राज्य जबर नहीं था, या जहाँ पे जमहूरी किसी किस्म की सूरत हाल मौजूद है, वहाँ पे इस किस्म के कवानीन नहीं है जैसे आज पाकिस्तान में है। किसी भी हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में आप चले जाएं, मजिस्ट्रेट के सामने चले जाएं, तो वहाँ पे जो मजदूर है, जहाँ पे जो मजलूम है, उसकी आज भी सुनवाई नहीं है। इसी तरह थानों का जो सिस्टम बनाया गया है, पुलिस का निज़ाम बनाया गया है, वो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बनाया था। जो SHO का सिस्टम है, जो थानेदार का जो पूरा हायरार्की है पुलिस की, ये अंग्रेज़ों ने बनाई हुई थी। और आज भी जो SHO एक घिनौना किरदार है, गलीज तरीन किरदार है पूरे इलाके में, पूरी रियासती जबर का, वो इसलिए बनाया गया था ताकि बरतानवी साम्राज्य यहाँ के मकामी लोगों को अपना ग़ुलाम रखना चाहता था। इसी तरह यहाँ पे जो जज अपॉइंट करने का तरीक़ाकार बनाया गया, जो बाकी फ़ौज बनाई गई, वो भी बरतानवी साम्राज्य ने बनाई। तो उसमें हमें नज़र आता है कि यहाँ पे जब भगत सिंह की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई, जब उसने जदोजहद का आगाज़ किया, तो यहाँ पे भी इस अदालत के अंदर उसके ख़िलाफ़ एक कत्ल के मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ किया गया। और उसके अंदर हमें नज़र आता है कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर धोखा, फ्रेब और फ्राड इस कानून के अंदर है, और जो कानून खुद अंग्रेज़ों ने इतने ज़ालमाना बनाए थे उसको भी रौंद दिया गया, और उस तमाम कवानीन को एक साइड पे करते हुए उसकी जो ट्रायल था उसको गैर ज़रूरी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया गया, ताकि भगत सिंह और उसकी जो कॉमरेड्स हैं उनकी आवाज़ पूरे इंडिया में ना फैल सके। और उस हवाले से हम देखते हैं कि भगत सिंह की ये पॉलिसी थी कि अदालत के पेशी के दौरान वो अपने दिफा में जो तकरीरें करेंगे, जो इनकलाब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जो आज़ादी की जद्दोजहद करेंगे, वो अखबारों के ज़रिए पूरे मुल्क के नौजवानों तक फैल जाएगी। और उसमें जो खुद भगत सिंह ने अपने आप को उसके लिए पेश किया था गिरफ्तारी के लिए, और जो दिल्ली में असम्बली के अंदर उन्होंने बम फेंके थे, साथ लीफलेट फेंके थे, लेकिन उनके बम फेंकने का मकसद ये नहीं था कि किसी को ज़ख्मी करना या किसी को मुतासर करना है। वो कहते थे कि हम बहरों को सुनाने के लिए, अपना एक पैगाम पहुँचाने के लिए तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी बाद में भगत सिंह ने खुद मजम्मत की थी, और उसने कहा था कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, और एक सियासी जदोजहद के ज़रिए ही इनकलाबी पार्टी की तामीर की जा सकती है। तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट जो था वो उसकी कार्रवाई कर रहा था भगत सिंह के मुकदमे की, उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जाली गवाह, झूठे गवाह पुलिस पेश कर रही थी। फिर जब उसको जज के सामने पेश किया जाता था, पुलिस बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती थी भगत सिंह और उसके कामरेड्स पर, और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था अदालत के गेट के ऊपर, और वहाँ पर पुलिस जज के सामने वहाँ पर तशद्दुद कर रही थी। बाद में जब भगत सिंह का मुकदमा बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, पूरे मुल्क के अंदर सियासी कारकुनान, नौजवान, तालिब इलम उससे मुतासर होना शुरू हो गए, तो उसकी जो समाअत थी वो महदूद कर दी गई और इनडोर ट्रायल शुरू किया गया। उसमें भी भगत सिंह को दफा का पूरी तरह मौका नहीं दिया गया, और दूसरे जो सियासी कैदियों को हकूक दिए जाते हैं वो नहीं दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से भगत सिंह ने जेल के अंदर भूख हड़तालें की। पहले उसको मियांवाली जेल भेजा गया, बाद में फिर उसको यहीं लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर मुंतकिल किया गया, और यहीं पे उसकी फिर फांसी का फैसला सुना दिया गया, और वो भी बहुत जल्दबाजी के अंदर, वो सारा जो केस था उसको पूरा किए बगैर। और उस हवाले से हम समझते हैं कि यहाँ पे एक इंतहाई जुल्म और जबर का जो कानून था वो बरतानवी साम्राज्य का भी मौजूद था और आज तक मौजूद है। फिर यहाँ पर हमें नज़र आता है कि कोई अंग्रेज़ जज उसकी फांसी के ऑर्डर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था, तो वहाँ पर यहाँ का एक मकामी मजिस्ट्रेट नवाब मोहम्मद ख़ान कसूरी, जो बाद में बहुत बड़ा राइट विंग का सियासी लीडर भी बना यहाँ पे, ख़ुद उसका भी कत्ल हो गया बाद हज़ा,
उसने साइन किए थे भगत सिंह की फांसी के आर्डर पे, क्योंकि किसी अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट कोई अंग्रेज़ जज उसके फांसी के आर्डर पे साइन नहीं कर रहा था, तो वो नवाब मोहम्मद खान कसूरी ने यहाँ पे साइन किए। इसी तरह यहाँ पे बहुत से दूसरे जो मकामी लोग थे उन्होंने गद्दारी की और भगत सिंह के ख़िलाफ़ गवाहियाँ दी। इसमें खुद खुशवंत सिंह का बाप था और दूसरे लोग थे, उन्होंने यहाँ पर गवाहियाँ दी। फिर अंग्रेज़ साम्राज्य उसके जो भगत सिंह के मुकदमे से और उसके जो इनकलाबी नज़रियात से जब खौफजदा हो गया तो उसको जेल में वक्त से पहले ही फांसी दे दी गई, और 23 मार्च आज से 90 साल कबल रात के टाइम उसको ये सेंट्रल जेल में फांसी दी गई, जो कि अब शादमान चौक वाली जगह पे उस वक्त बैरकें थीं जिसको ख़त्म कर दिया गया। तो उस हवाले से हम समझते हैं कि वो तारीखी वाक़यात थे और फांसी के बाद भी वो सिलसिला रुका नहीं, और वो जो भगत सिंह के नज़रियात पूरे मुल्क में फैल रहे थे और इनकलाबी बहुत तेज़ी के साथ सड़कों पे आ गए थे। ट्रेड यूनियंस में हड़तालों का सिलसिला शुरू हो गया, रेलवे के अंदर बहुत बड़ी हड़ताल हुई जिसमें ट्रेड यूनियन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, स्टूडेंट्स की मूवमेंट शुरू हो गई। जिसके बाद यहाँ पर 1935 का आइन जो एक कानून था वो नाफज करने में बरतानिया ने यहाँ पर नाफज करने की कोशिश की ताकि लोगों को कुछ मराहत दी जा सके, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि आज़ादी की जद्दोजहद का वो सफ़र जो भगत सिंह ने शुरू किया वो उसकी फांसी के बाद भी किसी ना किसी शक्ल के अंदर जारी रहा। और दूसरी तरफ हमें बरतानवी साम्राज्य के टाउट नज़र आते हैं, उनके गमाश्ते नज़र आते हैं जिनको बहुत बड़ी मराहत दी गई, जिन्होंने भगत सिंह के ख़िलाफ़ गवाहियाँ दी, जिन्होंने भगत सिंह के ख़िलाफ़ पुलिस के टाउट का किरदार अदा किया, एजेंसियों के टाउट का किरदार अदा किया, उनको कई कई एकड़ ज़मीनें दी गई, उनको मराहत दी गई, उनको तरक्कियाँ दी गई। पुलिस का एक हेड कांस्टेबल जो था वो DIG की सतह तक पहुंच गया था भगत सिंह के सिर्फ ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पे। जो जेल के अंदर अमला था जिन्होंने भगत सिंह को फांसियाँ दी थी उनकी बहुत तेज़ी से तरक्कियाँ की गई, और जिन्होंने जेल के अंदर भगत सिंह से हमदर्दी की कोशिश की या किसी की आँख में आंसू आ गए उसको मुअत्तल कर दिया गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो हमें नज़र आता है कि अंग्रेज़ साम्राज्य बहुत ज़्यादा खौफजदा था भगत सिंह के मुकदमे से भी और भगत सिंह के नज़रियात से भी और भगत सिंह की जद्दोजहद से, और उस हवाले से हम समझते हैं कि वो मुकदमे की कार्रवाई दुरुस्त अंदाज में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि एक तरफ जालिम और दूसरी तरफ मजलूम की लड़ाई मौजूद थी। और भगत सिंह ने मुतालबा किया था कि उसको फांसी ना दी जाए बल्कि उसको गोली से उड़ाया जाए, क्योंकि वो एक इनकलाब का सिपाही है, वो एक बरतानवी साम्राज्य का दुश्मन है, और जिस तरह एक जंग के अंदर एक मुखालिफ दुश्मन को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको फांसी नहीं दी जाती, उसको गोली से उड़ाया जाता है। और भगत सिंह ने कहा कि हम भी बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे हैं, एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, एक सरमायदराना निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, इसलिए हमें भी फांसी ना दी जाए बल्कि हमें भी गोली से उड़ाया जाए। ये भगत सिंह के एक सियासी सोच की भी अक्कासी करता है और उसकी जुर्रत और दिलेरी की भी अक्कासी करता है कि वो फांसी का फंदा जो था वो चूमने के लिए तैयार था और मौत से वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उस वाले से खतूत है उससे मिलने के लिए जो उसके रिश्तेदार या लवाकीन आते थे जेल में, तो वो कहता था कि परेशान या गमजदा होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सफ़र और मेरी जद्दोजहद जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक लाजमी पहुँचेगी और हम तारीख के अंदर सुरखरू होंगे। और उस हवाले से हमें नज़र आता है कि ये जो मुकदमे हैं, ये जेलें हैं, ये रियासती जबर है, ये जो जाली अदालतें हैं, जज और मजिस्ट्रेट हैं, ये नज़रियात सच्चे नज़रियात को नहीं रोक सकते, ये इनकलाबियों के सफ़र को नहीं रोक सकते, ये इनकलाबी जद्दोजहद को नहीं रोक सकते। इतना ज़्यादा उस पर पुलिस में तशद्दुद किया गया, जेल में उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके ऊपर लाठीचार्ज, पता नहीं जो भी तशद्दुद किया जाता है, आज भी हमें थानों में जेलों में नज़र आता है कि रियासती जबर मौजूद है। यहाँ पे एक जर्नैलों की इजारादारी इस मुल्क के अंदर मौजूद है, पुलिस का जबर है, हर थाने के अंदर मजलूमों को जो है वो जुल्म का निशाना बनाया जाता है, जबकि सरमायादारों और जागीरदारों को यहाँ की पुलिस आज भी सलूट करती है, यहाँ के जज आज भी सलूट करते हैं, यहाँ के आज भी तमाम मजिस्ट्रेट उनके सामने अगर पैसा फेंका जाए और तमाशा देखा जाए तो वो पैसे के पुजारी नज़र आते हैं, नंगा नाच यहाँ पे अदलिया का कानून का हमें सरमाए के सामने नज़र आता है, और वो सरमायादारों की लौंडी के तौर पर एक कानून और आइन की हैसियत नज़र आती है। और उस हवाले से हम समझते हैं कि आज भी अगर सच्चे नज़रियात के ऊपर आज हकीकी समाज की सोशलिस्ट तब्दीली के लिए जद्दोजहद की जाए तो इस तमाम रियासती जबर का भी मुकाबला किया जा सकता है, और जो हकीकी मंजिल है वो किसी कानूनी आइनी या इस रियासती इदारों के अंदर से नहीं बल्कि इस
सरमाया दराना रियासत को ख़त्म करके एक मजदूर इनकलाब की जद्दोजहद के साथ एक सोशलिस्ट रियासत के क्याम के ज़रिए कायम की जा सकती है, जिसके अंदर ये जो साम्राज्य का और सरमायादारों का बनाया हुआ अदालती निज़ाम ख़त्म किया जाएगा, उनकी जो लौंडी पार्लियामेंट रखेल है वो ख़त्म की जाएगी और एक मज़दूर जमहूरियत का आगाज़ किया जाएगा। उसमें जो सरमायादारों की जो जायदादें हैं, दौलत है, वो छीन कर मज़दूरों तक, किसानों के अंदर जो है वो तकसीम की जाएंगी और ये जो निजी जायदाद की बुनियाद के ऊपर ये निज़ाम खड़ा है, इसको ख़त्म किया जाएगा। तो इस निज़ाम की जो बुनियादें, मालियाती बुनियादें हैं, जो बैंकों और मल्टीनेशनल के निज़ाम के अंदर पेवस्त हैं, ये जो सूदखोरी पे मबनी सरमायादाराना निज़ाम है जो मेहनतकशों को जकड़ के रखता है सरमाए के इस्तेमाल में, उसकी बुनियाद पर सरमायादाराना रियासत खड़ी हुई है। तो यहाँ पर मज़दूरों पर, किसानों पर, इनकलाबी नौजवानों पर आज भी जबर करती है और ये एक बुनियादी तौर पर एक सरमायादाराना निज़ाम का हिस्सा है, जिसको सिर्फ़ एक सोशलिस्ट इनकलाब के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। और भगत सिंह खुद सोशलिस्ट इनकलाब की जद्दोजहद पर यकीन रखता था और वो समझता था कि आज़ादी की जद्दोजहद उस वक्त तक अधूरी है जब तक इस सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा एक सोशलिस्ट इनकलाब से ना किया जाए। ये तारीखी चौक है जिसको अब शादमान चौक कहा जाता है, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को रात को। पहले ये जो जेल रोड है पीछे, आपको पता है लाहौर की मशहूर और वहाँ पे जेल है, उसकी पहले रकबा में ये सारा शादमान का इलाका शामिल था। और जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर ये बैरकें मौजूद थी और फांसी घाट भी इसी जगह के ऊपर था। बाद में इसकी फिर जब तामीर की गई, रिकन्स्ट्रक्शन की गई, तो जेल को छोटा कर दिया गया और ये सारा इलाका जो है वो शादमान के इलाके में आ गया। तो जब हम बात कर रहे हैं 23 मार्च 1931 को, तो उस वक्त भगत सिंह और उसके साथी राजगुरु और सुखदेव इसी लाहौर की जेल में थे। उनके फांसी के ऑर्डर हो चुके थे, जो मैंने पहले बताया कि कोई अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट उस पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था। तो एक मकामी शख्स था नवाब मोहम्मद रज़ा कसूरी, उसने उस पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद भगत सिंह को फांसी उसके साथियों समेत होनी थी। उससे पहले उसको उसके रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया गया और दूसरे जो हकूक़ एक फांसी के कैदी के पास होते हैं वो उसको नहीं दिए गए। और उस वाले से हम देखते हैं कि भगत सिंह के, जिस तरह हम पहले बात कर रहे हैं कि तहरीक पूरे इंडिया में उस वक्त मौजूद थी और पूरे इंडिया में उस केस के हवाले से डिस्कशन, एक डिबेट मौजूद थी और एक सियासी तहरीक मौजूद थी, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बरतानिया में, यूरोप में भी इसका तذکرہ किया जा रहा था और उसकी मजम्मत की जा रही थी। और बरतानवी साम्राज्य बहुत ज़्यादा खौफजदा था, इसलिए बजाय इसके कि उसको अलल सुबह फांसी दी जाती, उसको रात की तारीकी के अंदर उनको तीनों को फांसी दे दी गई और तीनों की लाशें जो थी वो एक नामालूम मकाम के ऊपर तलफ करने की एक नाकाम कोशिश की गई। और जिस वक्त भगत सिंह को फांसी दी गई, उसके बाद जेल के अंदर से इनकलाब के नारों की आवाज़ बुलंद होना शुरू हुई और पूरा ये जो इलाका जहाँ पे हम खड़े हैं, अंदर कैदियों ने और दूसरे लोगों ने इनकलाब के नारे बुलंद करने शुरू कर दिए, जो उनका मशहूर हमारा नारा था इनकलाब जिंदाबाद। और वो नारा लगाते हुए और सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए और रंगदे बसंती चोला गाते हुए फांसी के फंदे तक पहुँचे, जहाँ पे बरतानवी साम्राज्य के अहकाम के तहत रात की तारीकी में वक्त से बहुत पहले उनको फांसी दे दी गई। जब उनको फांसी दी गई और उनको तलफ करने की कोशिश की गई, उसके ख़ानदान के लोग, उसके कॉमरेड्स उसके पीछे पहुँचे और उन्होंने उसकी जो नाशें थी वो अपने कब्ज़े में लीं और फिर उसको प्रॉपर मुनासिब अंदाज में उसकी तदफीन की। और उसके बाद हम समझते हैं कि जो इनकलाबी तहरीक थी उसका सफ़र नहीं रुका, बल्कि वो उसके बाद भी मुसलसल जारी रहा और आज 90 साल गुजरने के बावजूद भी हम समझते हैं कि उसके कातलों का नामो निशान भी नहीं है और लोग जिन्होंने उसकी फांसी पर दस्तखत किए, जो गवाहियाँ दी उसके ख़िलाफ़, वो सारे तारीख के अंदर ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन भगत सिंह अपने इनकलाबी नज़रियात की वजह से, अपनी कुर्बानियों की वजह से, अपनी जदोजहद की वजह से आज भी लाखों दिलों के धड़कन है और आज भी नौजवान यहाँ पर मौजूद उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए 90 साल बाद ऐन उसी दिन यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के नौजवान यहाँ पर आज मौजूद हैं और उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। जेल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो भगत सिंह की जद्दोजहद अपनी जगह जहाँ पे उसका मुतालिया है वो बहुत अहमियत का हामिल है। जेल में उसने लेनिन की किताब रियासत और इनकलाब का मुतालिया किया और उसके नोट्स बनाए, जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इसी तरह उसने फ्रेडरिक एंगल्स की किताब ख़ानदान, ज़ाती मुल्कियत और रियासत का आगाज़ का मुतालिया किया, उसके नोट्स बनाए, जो बड़े अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा ट्रॉट्स की
ने जो बरतानिया के ऊपर मजामिन लिखे वहाँ की ट्रेड यूनियन स्ट्राइक के वाले से, जदोजहद के मजदूरों के वाले से, वो भगत सिंह ने मुतालिया किया। इसके अलावा ट्रॉट्स्की ने जो इनकलाब रूस के वाले से जो उसकी तहरीरें थीं उस वक्त तक, उस वक्त मौजूद थीं, वो जेल में मुतालिया किया। इसके अलावा पूरी दुनिया से आयरलैंड की तहरीक के हवाले से और दूसरे दुनिया के ममालिक के अंदर हम देखते हैं कि जारी तहरीकों से उसका बड़ा गहरा मुतालिया था। जो उसकी डायरीज़ छपी हैं जेल की, उसके अंदर वो वाज़े तौर पर मेंशन करता है, और ख़ास तौर पर जो नतायज अखज़ करता है दास कैपिटल का वो मुतालिया कर रहा था, और दूसरी अहम तसनीफात का मुतालिया कर रहा था जेल में रहते हुए, और उनसे नतायज अखज़ करते हुए फिर उसने जो अपने मजामीन लिखे जिसमें उसका सबसे अहम मजमून है नौजवान सियासी कारकुनों के नाम, टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स, जिसके अंदर उसने अपनी सारे उसका निचोड़ लिखा कि कैसे इनकलाबी पार्टी की तामीर करनी चाहिए और नौजवान सियासी कारकुनों को क्या किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो उस हवाले से हम समझते हैं कि वो तहरीरें, वो तसानीफ़ लेनिन की, ट्रॉट्स्की की, मार्क्स एंगल्स की आज भी मौजूद हैं, और तमाम इनकलाबियों को उनका मुतालिया करना चाहिए और उन पर अबूर हासिल करते हुए उस इनकलाबी पार्टी की तामीर के सफ़र को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी हवाले से हम समझते हैं कि भगत सिंह एक कल्चर का हिस्सा बन चुका है। उसके हवाले से स्टेज ड्रामे मुनक़द किए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, फिल्में बनाई जाती हैं, और आज भी इनकलाबी जोश और वलवला भगत सिंह के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर बरेसगीर के अंदर हमें नज़र आता है। और उसकी वजह उसके नज़रियात थे जो सोशलिस्ट इनकलाब को और आज़ादी की जद्दोजहद के लिए वो कर रहा था। 23 साल की उम्र के अंदर भी फांसी देने के बावजूद हम समझते हैं कि इतनी कम उम्र के अंदर इतने पुख्ता सियासी नज़रियात का होना वो कोई मामूली बात नहीं थी और एक इंतहाई गैर मामूली अमल था। इसी तरह बरतानवी साम्राज्य का जो जबर है, जुल्म है, वो भी खुलकर नज़र आता है कि किस तरह जो इनकलाब की बात करते हैं, जो आज़ादी का नारा लगाते थे, उनको फांसियाँ दी जाती थी। आज भी हम समझते हैं कि वो जुल्म और जबर कायम है, वो सरमायादाराना रियासत कायम है, वो निज़ाम कायम है, और उसके खिलाफ जद्दोजहद करना, सोशलिज़म की जद्दोजहद करना हमारा फरीज़ा है, और हम उसकी मिशन की तकमील का सफ़र जारी रखेंगे और इस पाकिस्तान समेत पूरे बरेसगीर में एक सोशलिस्ट इनकलाब करेंगे और बरेसगीर की एक सोशलिस्ट फेडरेशन को कायम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब।